हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल वर्क्स इन्फो। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इसमें हमने फिलिप्स ह्यू के बारे में डिस्क्राइब किया है। क्या है फिलिप्स ह्यू, व्हाट इज़ ए फिलिप्स ह्यू, और ये कैसे काम करता है, क्या है इसका कॉन्सेप्ट, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल आपको दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, फिलिप्स ह्यू आखिर है क्या? तो फिलिप्स ह्यू एक बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक ब्रिज होता है, एक हब होता है, जिसमें हम अपनी लाइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको रिमोटली, वॉइसली या फिर एप्लीकेशन के थ्रू उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये कैसे काम करता है, इसके बारे में आपको मैंने डिटेल दी है। अब इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो फिलिप्स ह्यू के अंदर हम अपनी सारी लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे वो सीलिंग्स की लाइट हो, चाहे आपकी फॉल्स आपकी स्ट्रिप लाइट हो, कोई भी लाइट्स हो, इनको ऑपरेट कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि इसके अंदर हमें नॉर्मल वायर के थ्रू ही इन सारी लाइटों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, और स्ट्रिप लाइट और जितनी भी लाइट्स हैं इनको बेसिकली हम ऑडियो के थ्रू इसको सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सपोज़ जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने हमारे टीवी में जैसे सपोज़ कोई साउंड ट्रैक कोई भी चल रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग ही ये सारी लाइट ऑटोमेटिकली इनका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ऑटोमेटिकली ये उसके थ्रू फ्लो करेंगी लाइट्स, उसके कलर के थ्रू, उसके वॉइस के थ्रू, जैसे भी वो साउंड ट्रैक बज रहा है उसके अकॉर्डिंग इसके लाइट्स ट्रैक होंगी। ऑटोमेटिक सारे लाइट्स का कलर ऑटोमेटिक सारा चेंज होगा। आप अपने वॉइस के थ्रू भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर एक रिमोटली भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो एक हब से हम लोग 50 लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। हम बेसिकली सपोज़ हमारे घर में अगर 5 रूम्स हैं तो हर रूम की लाइट्स को हम अलग अलग हब के थ्रू हम ऑपरेट कर सकते हैं, राइट? तो इसमें हम डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, इस तरह से हब के अंदर हम कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन में सारी डिटेल हमारी शो होगी। तो इसके लिए हमने फिलिप्स के इंस्ट्रक्टर से भी बात करी है, उसके बारे में हमने डिटेल पूछी है कि क्या है फिलिप्स ह्यू, कैसे काम करता है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और फिर हम उसके बारे में आगे बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। देखिए इस वीडियो को। इसमें बल्ब आते हैं, फॉल्सिंग की लाइट्स आती है, ये पॉल्सिंग की लाइट्स आती है, पॉल्सिंग की लाइट आती है, स्पॉट लाइट्स भी आती है, इसमें स्ट्रिप लाइट आती है, और ये सारी लाइटें हमें स्मार्ट होती है। टेबल लैम्प, टोल लैम्प्स वगैरह भी आते हैं, इसमें आप कोई भी कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। आप इसको डिम लाइट करना चाहो तो डिम लाइट करो, ऑन ऑफ करना चाहो तो ऑन ऑफ करो, स्मार्टफोन से ऑपरेट होगा। और अगर आप कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर भी चेंज होगा। ये सारे स्ट्रिप लाइट के अंदर भी कलर चेंज होगा? हाँ, स्ट्रिप लाइट में भी होगा, डाउन लाइट्स में भी होगा, बल्ब में भी होगा। बस बल्ब और स्ट्रिप में जो है मल्टी मिलियन कलर चेंज होंगे, वैसे ही बल्ब में हो रहे हैं। आप बल्ब को फोकस कर लो, उस बल्ब में आप जैसे देख सकते हो उसमें 1.6 मिलियन कलर चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई भी कलर चेंज कर रहा है। ओके, अगर इंटेंसिटी कम ज़्यादा करना है, इंटेंसिटी कम कर दो। अलार्म टाइमर, रिमाइंडर, म्यूजिक के साथ सिंक होना, ये सभी फीचर आते हैं। कितनी लाइटें कनेक्ट कर सकते हैं एक साथ? 50 लाइटें कनेक्ट कर सकते हो। 50 लाइटें? हाँ, एक ब्रिज से। बाकी एक ऐप से तो आप 5, 10, 15 चाहो कनेक्ट कर। तो ये रिमोट से भी चेंज होगी, मोबाइल से? रिमोट से चेंज हो जाएगा आपका। वॉइस असिस्टेंट भी है? वॉइस असिस्टेंट भी है, अलेक्सा है हमारा, अलेक्सा से ऑपरेट करोगे तो अलेक्सा को कमांड दोगे तो अलेक्सा के थ्रू ये ऑन ऑफ भी होएगा, 20 से ज़्यादा मिनट पिक करता है। ठीक है, और स्ट्रिप लाइट का एक बार दिखा सकते हैं? स्ट्रिप लाइट अभी है नहीं यहाँ पे, डेमो में थैंक यू। आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी, आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि फिलिप्स ह्यू आखिर क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है। और कुछ मैं आपको एक डिटेल में कुछ बताना चाहता हूँ कि आजकल क्या है कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में आजकल हम ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे हैं। ऑटोमेशन के अंदर बहुत सारा बहुत सारा ही कॉन्सेप्ट है ऑटोमेशन का, जिसमें हम लाइट्स को या किसी भी चीज़ को हम रिमोटली या फिर वायरलेसली ऑपरेट कर सकते हैं। बट ऑटोमेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगता है, अप्रॉक्सीमेटली 10-15 लाख का खर्चा आता है उसका जो बजट है, उसके लिए वायरिंग भी हमें अलग से करनी पड़ती है। बट फिलिप्स ह्यू के अंदर क्या हो सकता है, अब जो जितनी भी नॉर्मल्स वायर हमारी जो हो रखी है, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, फिलिप्स हैवल्स की हो, फिनोलेक्स की हो, जो भी नॉर्मल वायर हम जो घर में करते हैं उससे वो सारी लाइटें जो हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ हमें अलग से वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्रिज जो होता है वो ब्रिज को आप राउटर के साथ या मॉडेम कह लीजिए, राउटर कह लीजिए, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं।
आपका वो ब्रिज राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा, देन आप सारी लाइटें उस ब्रिज से कनेक्ट हो जाएंगी, देन आप इजीली लाइट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये क्यू का बेसिक कॉन्सेप्ट है और ऑटोमेशन से थोड़ा लो कॉस्ट में भी बन जाएगा, हम इसको यूज़ कर सकते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट है। मैं चाहूँगा कि आप इसको थोड़ा यूज़ कीजिए, इसके बारे में और जानिए, समझिए। फिलिप्स के ह्यू इंस्ट्रक्टर, उनसे मिलिए, बात कीजिए। मैं आपका नंबर भी आपको नंबर भी उनका शेयर कर दूँगा। और आने वाले टाइम में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ में होंगी, तो हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज भी रखनी चाहिए कि किस किस तरह से आज के ट्रेंडिंग में क्या चीज़ें चल रही हैं। और इस तरह की चीज़ें हम आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे। यही हमारे चैनल का मोटिव है कि ऑल वर्क्स इन्फो, मतलब हम आपको हर तरह की कार के बारे में, हर तरह की इन्फो, जो भी वर्क्स है उसके बारे में इन्फो करते रहेंगे, इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। और क्या चीज़ बेटर रहेगी, क्या चीज़ आपको लगाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं लगाना चाहिए, उसके बारे में भी हम आपको बताते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बताना चाहूँगा, बाकी आने वाली वीडियो में और भी नए कॉन्सेप्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में जानकारी मिल सके, आपको आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तुरंत। थैंक यू सो मच ऑल गाइज, थैंक यू। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आपको कुछ कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, लाइक कॉन्सेप्ट आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर 100% दूंगा, और ताकि आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन में शेयर कर सकूं। थैंक यू सो मच।